हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी ना मैं रेडी हो चुकी हूँ मेरे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। मेरा तो ऑनलाइन क्लासेस है खुद का और मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेना भी है। और हम लोग ना कल मेरे मायके जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मम्मी का कुछ बैंक रिलेटेड काम है तो वो बहुत दिनों से पेंडिंग है। तो ये बारिश की वजह से और मेरे जो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो कल ही हम जाएंगे। तो मोर देन वन मंथ हो गया है हम लोग वहाँ से यहाँ पर आए हैं। तो घर का हालत तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया होगा, धूल मिट्टी ये सब तो बहुत ही ज़्यादा हो गया होगा, तो जाके वो सब भी करना है। और मेरा कल ना ऑनलाइन क्लास भी है, मतलब मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करते करते जाऊंगी। और मैं ना बहुत दिनों से ट्रेन में ट्रैवल भी नहीं किया, तो पता नहीं ट्रेन का टाइमिंग जो है, शेड्यूल जो है, वो अभी कैसा हो गया है, आई डोंट नो। तो थोड़ा सा पहले से ही निकलना पड़ेगा। पहला जैसा हम लोग को पता रहता था कि कब ट्रेन आएगा करके, तो अभी तो शेड्यूल जो है वो बहुत ही चेंज हो गया है। ट्रेन रेगुलर बेसिक में नहीं चल रहा है, कुछ कुछ ट्रेन उन्हों कभी कभी चलता है, ज़्यादा करके ट्रेन कैंसिल है। इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, पता नहीं कब ट्रेन आएगा, कब हम लोग जाके उन्हों कब हम पहुँचेंगे। तो उसी रिलेटेड आज सब कुछ समेटना है। कुछ दिनों के लिए मैं वहाँ पर रहूँगी तो सब कुछ समेटना है, कुछ पैकिंग वगैरह करना है, क्योंकि मैं वहाँ पर जाके कुछ दिन रहूँगी तो कुछ चीज़ें तो लेके जाना होगा। तो इसीलिए आज ऑनलाइन क्लास जब भी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं तुरंत पैकिंग जो है वो स्टार्ट कर दूंगी। बैंक का काम भी करना है, वहाँ पर जाके मैं कुछ दिन रहूँ। साड़ियों का शॉपिंग भी करना है, तो बहुत सारा काम है वहाँ पर जाके, सब एक के बाद करूँगी। और मेरा ऑनलाइन क्लासेस भी रहता है, तो वो अटेंड करने के बाद ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिलता है, क्योंकि मैं सिक्स टू सेवन आवर मेरा मोबाइल स्क्रीन में ही चला जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो वो उसके बाद जो भी टाइम मिलता है उसी टाइम से ये सब मैनेज करना होगा। तो आज जो है स्पेशली मैं पैकिंग वगैरह वो सब आप लोगों को दिखाऊंगी। और अगर कल हो पाया तो मैं शायद मेरा जो ट्रैवलिंग है उसका भी वीडियो में बनाऊंगी, जो ट्रेन का ट्रैवल है स्पेशली वो कैसा होता है वो भी डिटेल में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बस 5 मिनट्स बाकी है मेरे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने के, तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेती हूँ और मैं वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। आपके साथ बाद में मिलती हूँ, ठीक है। ये है ब्लैक टी और ये है मुरमुरा और इसके साथ एक ऑमलेट फ्राई भी है, तो ये दोनों मिक्स करके मैं खाऊंगी। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि मेरा ऑनलाइन क्लास बस अभी स्टार्ट होगा। गाइस, मम्मी ने ना सब कुछ साफ सफाई करके रखा है। लौटूंगी ना तब मैं अकेली लौटूंगी, तो तब आकर मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि मेरा क्लासेस भी रहता है, फिर आके खाना भी पकाना होगा, तो आके ज़्यादा कुछ काम ना करना पड़े, इसलिए वो सब कुछ क्लीन करके प्रॉपर करके रखा है। वो नहीं आएगी मेरे साथ वापस, वो कुछ दिन बाद फिर से आएगी, तो इसीलिए सब कुछ काम जो है ना वो सब कुछ कम्प्लीट करके रखा है, सो दैट मुझे आके कुछ अलग से करना ना पड़े। तो चलिए पैकिंग जो है वो थोड़ा सा कर लेते हैं। अभी मुझे थोड़ा एक डेढ़ घंटे का गैप मिला है, फिर से मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेना भी है, तो इसी गैप में मैं जो पैकिंग है वो कर लेती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर जाके कुछ दिन के लिए रहूँगी। कुछ काम है वो करना है, बैंक रिलेटेड काम है, कुछ शॉपिंग करना है, तो इसलिए
मैं कुछ चीज़ें लेके जाऊंगी, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं लेके जाती। अगर वहाँ पर जाके मैं तुरंत चली आती तो शायद मैं कुछ भी लेके नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा कपड़े वगैरह मेरा है। तो क्योंकि जाके वहाँ पर कुछ दिन के लिए रहना है, इसलिए मैं 2-3 टी शर्ट जो है वो ले लूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर रेगुलर बेसिक में पहनने के लिए 2-3 टी शर्ट लेके जा रही हूँ। एक ट्रैक पैंट है यहाँ पर, और बस ये 2-3 टी शर्ट्स है, एक शॉर्ट्स है बस। तो इसलिए मैं थोड़ा स्किन केयर के सामान भी लेके जाऊँगी। ये है, उसमें है मुल्तानी मिट्टी, ये है उबतन पाउडर। मैंने सोचा था ये वाला बैग और ये वाला बैग मैं लूँगी, तो अभी देखने को लगता है कि एक बैग में ही हो जाएगा, पर नहीं, एक बैग में नहीं होगा। थोड़ा सा बुक्स भी लेके जाना है, तो वो मैं इस बैग में ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपना ड्रेस डाल दिया है, तो इस बैग में मैंने अपना ड्रेस डाल दिया है और मेरा जो स्किन केयर का सामान है वो डाल दिया है। और सिंदूर और काजल ये सब मैं बाद में इसके अंदर डाल दूँगी। जो जो सामान अभी मुझे नहीं चाहिए होगा कल तक, वही मैंने इसके अंदर डाल दिया है। सिंदूर और भी कुछ काजल वगैरह वो सब सामान मैं बाद में इसके अंदर डाल दूँगी। तो हो गया है पैकिंग, ज़्यादा कुछ सामान मैं लेके नहीं जाऊँगी, कुछ ही दिनों के लिए जाऊँगी। और ये भी मैं नहीं लेके जाती अगर वहाँ पर जाके कुछ दिन मुझे रहना ना पड़ता। और घर पे रहती हूँ तो घर का ड्रेस तो वहाँ पर है, पर यू नो मुझे बैंक भी जाना है, फिर थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए भी जाना है, तो इसलिए मैं 2-3 टी शर्ट्स ले लिया है। तो बस यार थोड़ा सा स्किन केयर के सामान ले लिया है, सब कुछ नहीं ले पाई। हाँ, शैम्पू जो है, शैम्पू लॉरियल का यूज़ करती हूँ, पर शैम्पू फिर हेयर मास्क इसके अंदर सब नहीं जाएगा, मतलब जाएगा पर बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा। तो मैं कुछ ही दिन के लिए जा रही हूँ, शायद 1 वीक के लिए। मुझे लौटना भी है, मम्मी नहीं आएगी मेरे साथ, तो ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं लेके जाना चाहती, क्योंकि दोबारा से मुझे वही चीज़ें फिर से लाना भी पड़ेगा। इसलिए मैं जो शैम्पू वगैरह जो बहुत ही एसेंशियल है, बस उसी चीज़ को मैं लेके जाऊंगी। तो मैं ट्रेसिमी का तो शैम्पू नहीं यूज़ करती हूँ, पर मेरे पास ये पहले से थे, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी को ले जाते हैं, वहाँ पर काम आ जाएगा। आपसे बाद में बात करते हैं, ओके। हेलो गाइस, अभी है इवनिंग के टाइम, मेरा एक ट्यूशन था 4 बजे से, वो कैंसिल हो गया है। जिसको मुझे पढ़ाना था उसे सडनली बुखार आ गया है, फीवर आ गया है। तो मैं सोची कि अभी तो कुछ दिन के लिए इनके लिए घर पे नहीं रहूँगी, तो मैं सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा छत पे हो आते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके थोड़ा सा वॉक करना, पर टाइम की वजह से लगातार बारिश हो रहा था। अभी तो अभी भी बहुत सारा रोड में पानी जमा हुआ है, पता नहीं कब जाएगा वो रास्ता। का मेरा जो सामने का रास्ता है उसका हालत क्या है पता नहीं, कल ही पता चलेगा। पर अभी मुझे दिखने को मिला है जो हमारा साइड का जो रोड है ना, वहाँ पर अभी भी पानी जमा हुआ है। तो पता नहीं हमारा ये सामने का रास्ता का क्या हाल होगा, साइड का तो वही हाल है, पानी जमा हुआ है, कब निकलेगा कुछ पता नहीं। तो वही कुछ दिनों के लिए तो बाहर चली जाऊंगी, एक हफ्ते के लिए तो मैं मायके में रहूंगी। तो सोचा कि टाइम मिला है, चलो थोड़ा सा छत पे घूम आते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आ गई हूँ। और यहाँ से हमेशा प्लेन वगैरह जाता है, विदिन 5 किलोमीटर हमारा जो कोलकाता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है, तो हमेशा ही यहाँ से फ्लाइट वगैरह जाता है। कभी कभार अच्छा लगता है और कभी कभार बहुत अनोइंग लगता है। तो देखो बात करते करते एक और फ्लाइट आ गया है। कभी कभार ऐसा होता है ना, मैं बात करती हूँ, अचानक फ्लाइट आ जाता है, मुझे स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि इतना आवाज़ होता है ना उसका, कुछ सुनाई नहीं देगा आप लोगों को। तो मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा सा इधर उधर देखती हूँ। बारिश की वजह से बाहर तो निकल ही नहीं पाई, छत पे भी नहीं आ पाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था यहाँ पर। तो अभी आज थोड़ा सा कम है बारिश, कल भी हो रहा था, कल सुबह नहीं हो रहा था पर दोपहर से बारिश हो रहा था। आज का दिन है कि पूरा दिन बारिश नहीं हुआ, फिर भी तो मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, ठीक है।
है मेरा डिनर कंप्लीट हो गया है, पैकिंग भी हो गया है, ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाई आफ्टर इवनिंग, रात को ज़्यादा कुछ किया नहीं है, थोड़ा सा चाय पिया, फिर हम थोड़ा सा पैकिंग कर रहे थे, ये वो कर रहे थे, मम्मी से बात हो रही थी, दीदी लोगों से बात किया था। अभी हम लोग डिनर कर चुके हैं, जल्दी जल्दी सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह सुबह उठना है, तो पता नहीं ट्रेन का टाइम कैसा है, अभी ट्रेन कैसा टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह निकलेंगे, कि जो भी ट्रेन हमको मिलेगा हमको उसी में चढ़ना होगा। आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन जस्ट बिसाइड द सब्सक्राइब बटन। ओके, सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड टेक केयर ऑफ ऑल द पीपल हु लव अस, बाय बाय एंड गुड नाइट।